हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन कह रहा है अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विथ शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर ठीक द प्रोजनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर मतलब वायलेट आपका डोमिनेंट ट्रेट है बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट दिस सजेस्ट दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपेक्टेड एज अब देखो अभी आपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें एक प्योर टॉल पेरेंट लिया था प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी और फिर दूसरा प्योर डॉर्फ या शॉर्ट पेरेंट लिया था स्मॉल टी स्मॉल टी अब यहाँ पे इसने दो ये एक्चुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पे उसने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए तो एक लिया टॉल पी प्लांट अब देखो टॉल पी प्लांट का जेनेटिक मेकअप या तो कैपिटल टी कैपिटल टी हो सकता है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ठीक है अपन दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कौन सा चीज सही आ रहा है फिर कह रहा है उसके बाद और टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलट फ्लावर अच्छा इसने वायलट जनरली क्या होता है सुन लो जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उसका जो पहला लेटर होता है जैसे वायलट का वी हो गया तो अपन उसको ले लेते बट कोई बात नहीं यहाँ पे इसने वायलट को कैपिटल डब्ल्यू माना है ठीक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और इसमें किसके साथ किया शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अब सुन लो पे। यहाँ पे यहां मैंने स्मॉल टी स्मॉल टी क्यों रखा है यहां मैंने बस एक ही पॉसिबिलिटी क्यों ली इसलिए ली बेटा क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कैपिटल लगा दूंगा तो वो तो डोमिनेंट जो अपना हाइट है वो अपने को एक्सप्रेस कर देगा तो जो रिसेसिव ट्रेट है डोर्फनेस शॉर्टनेस वो कब आएगी जब दोनों अलील या दोनों यूनिट फैक्टर सेम हो है ना या दोनों होमोजाइगस अगर आपके टीचर ने होगा इसको होमोजाइगस कहते हैं जब सेम होते हैं और जब डिफरेंट होते हैं जैसे इसमें कैपिटल टी स्मोजाइगस कहते हैं तो इसीलिए मैंने स्मॉल टी स्म ट लिया अब कह रहा है द प्रोजनी ऑल बोर वायल्ट फ्लावर सारे फ्लावर वायलट है इसका मतलब जो ये वाला पेरेंट है इसके जो जेनेटिक uh, मेकअप होगा वायलट के लिए वो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्लू ही होगा क्यों आप क्रॉस करके देख लो कैपिटल डब्ल्यू मैं वो वाला बॉक्स वाला मेथड कर रहा हूँ ठीक है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये स्मॉल कैपिटल सब एक जैसा लग रहा है कैपिटल में ऐसे में वोइंग सीन लगा देता हूँ ठीक है तो अब देखो क्या क्या बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल स्मॉलू तो ऑब्वियस है ये जो कलर है फ्लावर कलर इसका जेनेटिक मेकअप आपने सही बनाया है क्योंकि जब ये मेड करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू सब में आएगा तो इसीलिए सारे फ्लावर कैसे हो गए वायलेट हो गए लेकिन अब यहाँ ध्यान से पढ़ो बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वॉर्ट अब सुन लो मैंने क्या बोला कि जो टॉलनेस का जो ट्रेट है या जो जेनेटिक मेकअप है उसके दो फॉर्म हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है अगर मैं कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी मान के चलता हूं इसका तो स्मॉल टी स्मॉल टी रहेगा अगर मैं ये मान के चलता हूं तो फिर इसका भी जो टेबल कैसा बन जाएगा सेम ऐसा बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो अगर आप इसका टेबल बनाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी तो सारे इसमें आपके जो एफ वन प्रोजनी है वो सब टॉल निकल जाएंगे लेकिन बोला फिफ्टी परसेंट शॉर्ट है वो कब पॉसिबल है जब ये कैपिटल टी हो और इसका दूसरा जो यूनिट फैक्टर या अलील है वो स्मॉल टी हो अब आप करके देख लो कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने क्रॉस किया इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी आप करके देख लो पहला आपको क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा स्मॉल टी स्मॉल टी और चौथा स्मॉल टी स्मॉल टी देख लो ये दोनों आपके टॉल आएंगे तो दो आपको टॉल मिल गए चार प्रोजनी में और ये दो आपको शॉर्ट मिलेंगे तो दो दो मिल गए दो मतलब फिफ्टी परसेंट ये फिफ्टी परसेंट है ये भी फिफ्टी परसेंट है तो सही जेनेटिक मेकअप क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सॉरी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बहुत सारे मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ बट बहुत सारे जो आपके टीचर्स हैं या फिर जगह पढ़ाते जैसे मुझे जब पढ़ाया गया था जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी अपने स्कूल में तो मेरे को बस ऐसे ही बता दिया गया था किसी ने समझाया नहीं था तो आई एम ग्लैड कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ थैंक यू फॉर दैट खत्म हो गया ऑल आउट बोलती हम ले आते ले आए ले आते दुकान खुली होगी चलो ठीक है बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट